आपको फिल्म में सही कंटेंट देखना है, स्टोरी बढ़िया देखना है, तो आप आयुष्मान खुराना पर भरोसा कर सकते हैं। उनकी फिल्मों को आप बेझिझक देख सकते हैं। तो कैसे हो मेरे भाई, मेरा नाम है प्रकाश और आप देख रहे हैं फिल्मी फैन। तो आज मैं एक ट्रेलर रिव्यू के साथ आ गया हूँ। ये ट्रेलर आयुष्मान खुराना और बानी कपूर की फिल्म चंडीगढ़ कड़े आशिकी की है। तो जानते हैं यह ट्रेलर कैसा है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और भूले भटके इस चैनल पर आ गए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, इससे और लोगों के पास हमारी ये बात पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले इंट्रो हो जाए, चलिए वीडियो बनाते हैं। आज आयुष्मान खुराना की फिल्म चंडीगढ़ कड़े आशिकी फिल्म का ट्रेलर टी सीरीज के ऑफिशियल साइट पर आ चुका है। तो इसमें लीड रोल में आयुष्मान खुराना, बानी कपूर है। इससे पहले मैं इस ट्रेलर के बारे में कुछ बोलूँ, उससे पहले मैं बात करूँगा आयुष्मान खुराना के फिल्म करियर के बारे में। आयुष्मान खुराना की फिल्मी करियर के बारे में बात करें तो ये जब भी आते हैं तो कुछ नए स्टोरी के साथ आते हैं, कुछ डिफरेंट पब्लिक को दिखाते हैं। जैसे इनको पुरानी फिल्मों के बारे में हम देख लें तो इन्होंने बाला, ड्रीम गर्ल, विक्की डोनर, शुभ मंगल सावधान, शुभ मंगल ज्यादा सावधान, बधाई हो, बरेली की बर्फी, इस तरह की इन्होंने एक से एक बढ़कर सुपरहिट फिल्म दी है। तो इसलिए इन पर विश्वास है कि ये जब भी आएंगे तो एक और ज़बरदस्त फिल्म ही लेके आएंगे। इस बार वे चंडीगढ़ कड़े आशिकी फिल्म के साथ आ रहे हैं और यह फिल्म 10 दिसंबर को रिलीज हो रही है। तो जानते हैं इस ट्रेलर में क्या दिखा और इसकी कहानी क्या होने वाली है। एक लड़का है जो जिम को अपना पैशन बना चुका है, वो बॉडी बिल्डिंग के माध्यम से कुछ करियर बनाना चाहता है। वही इसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो शायद इसके जिम में कोई टीचर के तौर पर आई है, जो लड़कियों का ट्रेनर है, ऐसा मुझे ट्रेलर देखने से लग रहा है। जिस कारण से आयुष्मान खुराना को उससे लगता है प्यार हो जाता है। वो शादी के लिए जब उससे पूछते हैं उन्हें पता चलता है कि वो लड़की नहीं लड़का है, जो अपना जेंडर चेंज करवा के लड़की बनी है। तो ये फिल्म की स्टोरी यही होने वाली है। इस घटना को डायरेक्टर किस तरह से इसमें फिल्माते हैं वही देखने में मज़ेदार होगी। हालांकि बात करें तो ये स्टोरी मैंने पहले भी देख चुका है। एक एमएक्स प्लेयर पर वेब सीरीज आई है जिसमें अदा शर्मा लीड रोल में है। वो वेब सीरीज में भी यही स्टोरी सेम टू सेम दिखाई गई है। हालांकि यह स्टोरी अधिक लोगों ने नहीं देखी होगी क्योंकि उसमें कोई खास एक्टर और एक्ट्रेस नहीं है, अदा शर्मा उतने फेमस नहीं है, जिस कारण से वो कम ही लोगों के पास गया है। यह स्टोरी एक मूवी के रूप में अगर आ रही है तो यह एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है इस फिल्म के मेकर और आयुष्मान खुराना को एक और हिट मिल जाएगी जो कि अधिक लोग देख सकते हैं। मुझे लगता है कि एक और बड़ी हिट होने वाली है आयुष्मान खुराना के करियर की, जो कि 10 दिसंबर 2021 को सिनेमाघरों में आने वाली है। तो मुझे लगता है कि यह एक सक्सेसफुल फिल्म होगी और आयुष्मान खुराना हमेशा की तरह इस बार भी धमाल मचाएंगे। आयुष्मान खुराना का स्टोरी पिक, हर बार स्टोरी में नयापन लाना और नए कंटेंट के साथ आना आयुष्मान खुराना की खासियत हो गई है और इस बार भी वो कुछ डिफरेंट लेके आए हैं जो कुछ यूनिक स्टोरी के साथ आती है। तो यह फिल्म डेफिनेटली बहुत अच्छी निकलेगी और बहुत अच्छी चलेगी। आयुष्मान खुराना के एक्टिंग तो हम लोग जानते ही हैं, वो कितने बढ़िया एक्टर हैं, और बानी कपूर ठीक ठाक ही एक्टिंग कर लेती है, उनसे कुछ उतना उम्मीद नहीं है। लेकिन आयुष्मान खुराना के बारे में हमें पता है वो बहुत बढ़िया एक्टर हैं और वह इस फिल्म के साथ भी अच्छा ही दिखेंगे, अच्छा करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।